शाहरुख खान के हाथ में एक अंगूठी दिखती है जो कि एक लायन है। लायन यानी किंग और शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं। इस सीन में जो ये बच्चा दिख रहा है ये और कोई नहीं शाहरुख खान का मिनी वर्जन है। इस सीन में व्हील चेयर पे कोई बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि दीपिका है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि जवान का ट्रेलर रक्षाबंधन यानी कि 31 अगस्त को आएगा और वो आ गया। इसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है। और इतना ही नहीं, आज से एक हफ्ता पहले मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट करके भी बताया था कि जवान का ट्रेलर रक्षाबंधन में ही आएगा। आपको नहीं पता, आपने फॉलो करके नहीं रखे है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, जल्दी फॉलो कर लीजिए। मूवी रिलीज होने से 7 दिन पहले मेकर्स ने ट्रेलर डाला है। क्या मार्केटिंग है भाई, सैल्यूट है। तो ट्रेलर में बहुत कुछ है बात करने के लिए, स्पेशली विजय सेतुपति का लुक। एक सेकंड के लिए तो मैं पहचान भी नहीं पाया था कि ये विजय सेतुपति ही है ना। ट्रेलर में विजय सेतुपति का 2 लुक दिखाया है, एक यंग और एक ओल्ड। ट्रेलर देख के इतना तो पता चल गया कि मूवी में हमें 2 टाइमलाइन देखने को मिलेगी और ट्रेलर में काफी सारे डिटेल है। तो चलिए एक एक करके डिटेल पर बात करते हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही एक बॉडी पानी में तैरते हुए दिखाया है, वो और कोई नहीं बल्कि डैडी शाहरुख खान है, जो एक अफगानिस्तान में मिशन पर गया होता है और वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण उनकी ऐसा हालत हो जाती है। और ये पट्टियों में लिपटा हुआ शाहरुख खान है, ये भी डैडी शाहरुख खान ही है। नेक्स्ट सीन में ये लप्पू सा लौंडा चलते हुए आ रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि डैडी शाहरुख खान का बेटा है। और ये वही सीन है जहाँ पहले वाले प्रीव्यू के अंदर मास्क वाला शाहरुख खान देखने को मिला था। इस सीन में डैडी शाहरुख खान की फीमेल आर्मी को आप देख रहे हो, वो लोग किसी को बचा रहे, वो प्रोबेबली दीपिका का कैरेक्टर या फिर शाहरुख खान का कैरेक्टर होगा। और इतना ही नहीं, पिछले वाले प्रीव्यू के अंदर मास्क वाला शाहरुख खान देखने को मिला था, वो भी इसी सीन का ही है। और ये सीन ट्रेलर में काफी बार रिपीट हुआ है, लाइक ये डैडी शाहरुख खान का वेपन रिकॉर्डिंग वाला सीन भी, ये हेलीकॉप्टर वाला सीन भी, ये भी इसी लोकेशन का है ये सीन, और ये भी सीन, ऐसी काफी सारी सीन है इसी लोकेशन की। तो ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी के लिए। इस सीन में शाहरुख खान को एक पुलिस वाला का रूप में दिखाया है, वो और कोई नहीं पहले वाले प्रीव्यू के अंदर जेल के अंदर एक बच्चे को दिखाया है, वो यही है मिनी शाहरुख खान यानी कि डैडी शाहरुख खान का बेटा। उसके अगले सीन में हमें शाहरुख खान का अलग अलग लुक देखने को मिलता है जो कि डैडी शाहरुख खान ही है। और इस सीन में जो बिग दिखाया है ये वही बिग है जो इस सीन में डैडी शाहरुख खान लगाया है। इस सीन को देख के लग रहा है कि मिनी शाहरुख खान और नयनतारा के कैरेक्टर को डैडी शाहरुख खान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए वो लोग इतना चिपक रहे हैं आपस में। इस सीन में आप देख सकते हो कि डैडी शाहरुख खान और नयनतारा आपस में लड़ रहे हैं। ये वही सीन है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये सीन आपने ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता होगा कि लड़की ने क्या बोला था, कि ये बाल असली है या फिर आपने हेयर ड्रायर किया है। इसका मतलब इस छोटी सी बच्ची को पता है डैडी शाहरुख खान के बारे में। मेट्रो के अंदर इस सीन में डैडी शाहरुख खान किसी को बांध कर रखे हुए हैं, वो और कोई नहीं बल्कि डैडी शाहरुख खान का दोस्त होगा जो शाहरुख खान से गद्दारी किया होगा। डैडी शाहरुख खान भी लाइक इस सीन में आप देख रहे हो कि डैडी शाहरुख खान एक वीडियो बना रहे, वो भी ह्यूमन जेल में। इसका मतलब मूवी में सिर्फ मेट्रो को ही नहीं हाईजैक किया जाएगा बल्कि ह्यूमन जेल को भी हाईजैक किया जाएगा। इसका प्रूफ आप इस सीन में देख सकते हो कि कमांडो जेल के आगे पूरा टेंट ला कर रहे हैं। इसके बाद होता है विजय सेतुपति की एंट्री। मूवी में विजय सेतुपति की 2 लुक है, एक यंग और एक ओल्ड। इस सीन में आप देख सकते हो कि विजय सेतुपति किसी को आग दे रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि सेतुपति का लप्पू सा लौंडा है जिसे डैडी शाहरुख खान ने मार दिया होगा। इस सीन में आप देख सकते हो कि डैडी शाहरुख खान एक फौजी है। और इसके अगले ही सीन में किसी को गोली लगते हुए दिखाया है, वो पता है कौन है, दीपिका पादुकोण। और उसके साइड में आप देख सकते हो कि मिनी शाहरुख खान भी है। और ये वही सीन है जहाँ पर आपको डैडी शाहरुख खान का बेल्ट वाला एक्शन सीन देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे ट्रेलर में इतने ही सारे डिटेल मिले, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जवान के ऊपर और भी बहुत कुछ आने वाला है और उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।